तो जी दोस्तों, मैं ना सिग्ना की ब्रांच आई थी, अभी जा रही हूँ। और पता नहीं क्यों आज मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। बाय गॉड, बहुत ठंड लग रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मैंने तो ट्रेनिंग रूम में बोला कि हीटर लगा दो प्लीज़, क्योंकि ऑफिस में तो हीटर होते ही है ना, घर पे नहीं होते। और इतनी ठंड भी नहीं लगती है, नेहरू प्लेस में पता नहीं मुझे क्यों इतनी ठंड लगती थी, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से ना घर नहीं जा रही, यहाँ से मैं जा रही हूँ सीधे कोचिंग सेंटर। वहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट को मैंने आज पढ़ाना है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है मंडे को एक डेढ़ घंटे में। फिर शायद मैं सीधे शॉप पे जाऊँगी, घर नहीं जाऊँगी। एक बार अरायना से पूछ लेती हूँ उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। जय श्री राम दोस्तों, ये है हमारे रामलला के आगमन से पहले की ही धूम। स्वागत की तैयारियां देखिए, जगह जगह दिल्ली में, एनसीआर में, सब जगह, हर एक राज्य में मुझे ऐसा लगता है कि ये रैलियां निकल रही हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए, उद्घोष करते हुए ये महिलाएं चल रही हैं। अब इसको हम रैली नहीं बोल सकते, रैली तो नेता करते हैं, जुलूस भी नहीं बोल सकते, वो भी थोड़ा सा वर्ड दूसरा आ जाता है, परिक्रमा बोल सकते हैं या कुछ भी आप बोलिए, लेकिन ये वाइब भी अलग थी, आप देख सकते हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया, तो एक बार हम भी बोलते हैं फिर से जय श्री राम। और पीछे कुछ झांकियां आ रही हैं, इनका भी लुत्फ उठाते हैं। इस पे मुझे नहीं लगता कि वॉइस ओवर करने की आवश्यकता है, तो अपने मन में आप भी अपने आराध्य देव को याद कीजिए, स्मरण कीजिए उनका, और जय श्री राम। Bye.
दोस्तों ये थी कुछ झांकियां जो आनंद विभोर कर देने वाली और भक्ति में मग्न कर देने वाली थी, और मुझे उम्मीद है आपने भी इन झांकियों का आनंद लिया होगा। श्री राम परिवार और हनुमान जी भी साथ में थे झांकियों में, राधा कृष्ण थे, तो बहुत ही सुखद अनुभव रहा इन झांकियों को देखने का, और आपको भी अच्छा लगा होगा इसी लगेगा इसी उम्मीद के साथ। ये सारी जो वीडियो क्लिप्स हैं मैंने ब्लॉग में ऐड की हैं, तो जय श्री राम। तो जी दोस्तों, एक दूसरा दिन और एक दूसरे दिन के साथ बहुत नई नई सी पोशाकें लड्डू गोपाल जी की, और अलग अलग कलर इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल डिफरेंट कलर है, पर्पल और ये कौन सा कलर होता है, जो भी कलर होता है, पैरट कलर तो नहीं है, जो भी है नियॉन कलर जो भी है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कलर भी, और ये पैरट कलर है, और इसके साथ में रेड का हमने मिक्स कर रखा है, रेड भी है, थोड़ा सा डार्क रेड है या मैरून भी कह सकते हो आप। और आगे देखिए ब्लैक कलर के मिक्सिंग के साथ बना रखी है, और बहुत सारी बहुत सुंदर लग रही है, देख रहे हो आप।